तो कह रहे हैं कि धक्का मारा जाता है, गिरा दिया जाता है, ऐसे ही व्यवहार होता है, ये तो सूचना ठीक नहीं, ये तो भारतीय सनातन संस्कृति के अनुरूप ठीक नहीं चल रहा है। ठाकुर जी गले मिले, पर्यंक पर बिठाया, सिंहासन पर बिठाया। इसके पीछे भी एक बड़ी कथा है महाराज, जरूर सुनना चाहिए, एक शास्त्र में है, सबको जानना चाहिए। क्या हुआ, दुर्वासा जी एक बार आए सांदीपनी मुनि के आश्रम में भिक्षा लेने के लिए। उस समय कृष्ण और सुदामा वहीं रहते, और जब वहां रहते, आने के बाद उन्होंने कहा कुछ दे दो, तो सांदीपनी मुनि की पत्नी ने कहा कि आज कुछ नहीं, अभी भिक्षा मांगने गई नहीं बच्चे, कुछ नहीं। बताओ, अब ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। सोचिए, जिस गुरु आश्रम में भगवान पढ़ता हो, ठाकुर स्वयं, पर सुचिता पवित्रता देखो उस आश्रम की, कि अन्न के दाने भी नहीं है। समृद्धि की दृष्टि से कभी किसी को संत और गुरु नहीं माना जा सकता। यद्यपि संत के पास समृद्धि हो तो जलना भी नहीं चाहिए। भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरत जी जब आए, उतने लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ, 5 मिनट के अंदर में सारी व्यवस्था भरद्वाज मुनि ने कर दी। 5 मिनट, बड़े बड़े राजा जो व्यवस्था नहीं कर सकते। परंतु समृद्धि हो तो इतना, और न हो तो इतना कि दुर्वासा जैसे ऋषि आए हैं उनको भी देने के लिए कण नहीं। चने का एक पोटली था, माँ ने बांध दिया था, कृष्ण सुदामा को भेजा था, आज वो निकल ही रहे थे। दुर्वासा ने ध्यान लगाया, बोला झूठ बोलती है, चने का पोटली तो है। दुर्वासा भी कम है क्या, मारे दुर्वा खा कर रहे, दिखाया। अरे बोले मैया झूठ क्यों बोल दी, पोटली तो तेरे पास था। दुर्वासा ने श्राप दे दिया, जो उस चने को खाएगा महाराज भिखारी हो जाएगा। चना रहते हुए भी, और तुमने चना नहीं दिया, जो खाएगा भिखारी हो जाएगा। शास्त्र लिखता है, जाते जाते सुदामा ने इस बात को सुन लिया, और सुदामा और कृष्ण जब पहुंचे लकड़ी काटने के लिए, सुदामा ने कहा मेरा गोविंद इस चने को खा के भिखारी होगा, अरे मैं 1,00,000 बार भिखारी होने को तैयार हूं, पर मैं मेरे गोविंद को भिखारी नहीं होने दूंगा और चना खा। एक पक्ष ये भी, इस पक्ष को भी भारतवर्ष को जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्या मित्रता है, क्या अपनत्व तो है, क्या गुरु भाई। भैया इसको गुरु भाई बोलते हैं, अपन लोग के यहां तो गुरु भाई है। गुरु भाई, गुरु भाई की टांग खींच दे महाराज। एक दिन ऐसी बात कह रहे थे दुबे जी, हमें गुरु भाई का टांग खींच दे, पीछे से एक ने कहा मौका मिले तो हम गुरु का भी खींचते हैं। कमाल कर रहे तू तो यार, खींचे ही देंगे लोग, खींचे ही रहे, कमी है क्या, गुरु को भी खींच लें। सुदामा जी जब जाने लगे, तो ये बात सत्य है कि भगवान ने जो रेशमी वस्त्र पहनाए थे और जो पादुका दिया था उसे मांग लिया, बोला इसे खोल दो, अपनी धोती पहन के जा रहे हैं। और लोग कहते हैं कि सुदामा के मन में आया कि अरे भाई लेन देन में बड़ा कमजोर है। भैया श्लोक तो पढ़िए, सुदामा क्या लिखते हैं, कहते हैं वाह गोविंद वाह, कैसी कृपा की, किसी निर्धन को अचानक धन मिल जाए तो सबसे पहले वो भगवान को ही भूल जाता है, और तुम जानते हो कि मैं सदा तुमको याद करता हूं, अगर तुमने धन दे दिया होता मेरी स्मृति न बिगड़ जाए, इसके लिए तुमने मुझे धन नहीं दिया है, तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूं, तुमने हृदय लगाया ये कम है। और हम क्या कहते हैं, सुदामा जी बोले कुछ दिया नहीं। अरे सुदामा क्या मांगने गए थे, देंगे। हाँ ये बात जरूर है, जब द्वारिका में बाहर निकले अपनी फटी हुई धोती पहन करके, सारी द्वारिका उमड़ गई, सारे द्वारिका के लोग देखने लगे, बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े महात्मा आए, भैया एक फटी हुई लंगोटी पहन के आते थे और रथों के रथों सामान लेकर के जाते थे, वाह 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 रे अलबेला महात्मा, जो फटी धोती पहन के आया था वही फटी धोती पहन के जा रहा है, जय हो संत की, जय हो महंत की, जय हो सुदामा तेरी जय हो। सुदामा रोने लगे, वाह भगवान वाह, अगर एक धोती भी दे दिया होता तो आज ये प्रतिष्ठा कहां से मिलती। भगवान जब देते हैं तो बिना प्रदर्शन के देते हैं, और हम भागवत पर 500 का नोट भी चढ़ाएंगे तो महाराज और भागवत दोनों के मुंह में घुसा के ऐसे से, कई बार तो मेरे मुंह में डाल देते हैं, बोले रहने दे भैया तू उधर ही डाल, ऐसे ऐसे कर, एक ने डारो डार दियो, भीड़ में कोई देखा नहीं, फिर आया धम धम धम, बोला 2,000 का नोट डाला वो देखे नहीं, फिर निकाला, मैंने मुंह ऐसे कर डाल दी,
खा के मैं भी बन जाऊं। भगवान जब देते हैं तो कहते झोलियां भर जाती है पर दिखाई नहीं पड़ता, और हम ठाकुर को ऊपर भी चढ़ाते हैं तो उनकी धोती खींच के प्रतिष्ठा लेके, गुरु को भी देते हैं तो प्रतिष्ठा खींच के, धोती खींच के देते हैं। ये देने की परंपरा है सनातन शास्त्र, सनातन धर्म में, भारतीय परंपरा में। दाहिना हाथ दे बाएं को पता न चले, वास्तव में हुआ तो ऐसे हमारे देश। सुदामा जी वापस गए, सुदामा चरित्र का विश्राम हुआ।